सो ये हमारा सेवेंथ मॉड्यूल है जहां पे हम डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में हिंट दे दिया कि अभी तक जो आपने सीखा है इट वॉज जस्ट 10%, राइट? रिमेनिंग 90% यू विल सी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। सो डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसको समझने से पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, व्हाट इज डेटा वेयर हाउस, राइट? यहाँ पे लिखा है डेटा वेयर हाउस इज टू बी ए डेटा बेस दैट कंटेन्स डेटा इंटीग्रेटेड फ्रॉम मल्टीपल सोर्स सिस्टम। इट एग्जिस्ट टू सपोर्ट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो डेटा जो वेयर हाउस होता है, जैसे कि नॉर्मल आपका वेयर हाउसेस रहते हैं गैरेज के, सिमिलरली यहाँ पे भी एक वेयर हाउस होता है, लेकिन जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, हिस्टोरिकल डेटा, जिससे आप रिपोर्ट क्रिएट कर सको। बेसिकली आपका यहाँ पे, मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो आपका तीन टाइप का डेटाबेस होता है, राइट? एक आपका जो नॉर्मल जो डेटाबेस होता है, जो डेली बेसिस पे जो भी आपकी कंपनी के अंदर में बिजनेस एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट बिक रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसका प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, ये सारे के सारे डेटा आपका ये टेबल फॉर्मेट में, रो एंड कॉलम फॉर इसमें स्टोर होता है, राइट? डेली बेसिस पे। लेकिन आप इससे इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पाओगे, राइट? ये डेटा एक डेटाबेस में दूसरे एसक्यूएल सर्वर हो गया या ओरेकल हो गया, वहां पे जाकर के स्टोर होना स्टार्ट करता है, जहां पे कंपनी, जैसे कि हार्ड ड्राइव होता है वैसा एक सिस्टम, उसको कहते हैं डेटा वेयर हाउस, जहां पे डेटा वेयर हाउस आपका एक तरह से रिपोर्टिंग टूल में मदद करता है। मतलब आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है, पिछले से पिछले महीने का रिकॉर्ड चेक करना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए कि उसका सेल्स कितना हो रहा था, प्रॉफिट कितना है, मार्जिन वो प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो ये आपको डेटा वेयर हाउस से वो डेटा मिलता है। तो ये इसको आप DW लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे DW लिख के दे देता हूँ। ये आपका डेटाबेस जो नॉर्मल है, DBMS, राइट? जो जहाँ पे डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो आपका सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है, एंड ये सिस्टम का जो डेटा है एक तरह से बाद में डेटा वेयर हाउस के अंदर मूव हो जाता है। एक आपका और एक आता है डेटा लेक, राइट? तो डेटा लेक भी सिमिलर आपका डेटा वेयर हाउस जैसे होता है, लेकिन यहाँ पे और भी अलग अलग एक्स्ट्रा अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं जो आपको डेटा वेयर हाउस में नहीं रखना है, क्योंकि वहां पे आप रिपोर्टिंग ये सब क्रिएट करने लगते हो, लेकिन शायद वो डेटा आपको कल जा करके काम आए, राइट? सो इमेजेस हो सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट हो सकता है, आपका एक्सेल शीट्स हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में वो डेटा हो सकता है जिससे आपको इनसाइट जनरेट करना है, तो डेटा लेक इस तरह का रहता है, राइट? सबको एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सबसे एक जो लैंग्वेज है वो आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या SQL, वो सीखना बहुत जरूरी है। आप अगर एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस या बिजनेस एनालिस्ट काम करते हो, जहां से आप डेटा को आसानी से मैनेज कर पाओगे, या डेटा इंजीनियर बनना है, तो सबसे पहला सीढ़ी है आपका एक्सेल एंड सेकेंड SQL। अगर इसमें आप मास्टर कर लो तो ऑटोमेटिकली यू विल सी अ वेरी हाई ग्रोथ इन योर करियर, राइट? सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा गया है रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट कंटेन्स हिस्टोरिकल डेटा इज अ स्ट्रक्चर इन वॉट इज नोन एज अ स्टार स्कीमा। बाद में एक स्टार स्कीमा जहां पे डेटा अलग अलग फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब प्रोडक्ट टेबल होगा, कस्टमर टेबल होगा, आपका जो रीजन टेबल होगा, आपका ट्रांजैक्शनल टेबल होगा, अलग अलग रहता है। इट गिव्स यू हाई स्पीड लोडिंग, जहां से आप आसानी से डेटा को फिच कर पाओगे, आसानी से डेटा आपका रिफ्रेश हो जाएगा, एंड जो भी आपके क्वेरीज है ना उसको जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज अ डेटा वेयर हाउस। तो आपको डेटा वेयर हाउस का मीनिंग समझ गया रहेगा।